तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अपने कैलकुलेटर के बारे में, जो कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैंने बनाया है। भाई कैलकुलेटर करता क्या है? एवरेज निकाल सकता है, परसेंटेज निकाल सकता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकता है। अगर आप चाहते हो तो और करवाना तो मेरे को रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर्सनली यहाँ पर तीन चीज़ें रखी हैं एक्चुअली, ये चार हो गई, पाँच, चार पाँच, छः, एक्चुअली छः चीज़ें हैं, बट मैंने इसको भी ये करा है। अभी करने क्या वाला है, मैं आपको कोड रन करके आपको दिखा देता हूँ पहले। अगर आप पूल पूछेगा वेलकम टू द एवरेज परसेंटेज एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन कैलकुलेटर, व्हाट डू यू वांट टू डू, अगर आपको एवरेज निकालना है तो वन आप दबा देना। आप पूछेगा आपको कितने नंबर है आपके पास, तो मान लो मेरे पास तीन नंबर है, मैं तीन नंबर का एवरेज निकालना चाहता हूँ। अब पूछेगा वैल्यू नंबर वन डाल दो, 30 डाल दी मैंने, 40 डाल दी और 50 डाल दी, तो एवरेज तो 40 निकलने वाला है, 40 निकल गया। डेसिमल वैल्यू भी डाल सकते हो, काम करने वाला है। मान लो मैं सब परसेंटेज लेके आता हूँ, मेरे पास है मान लो तीन वैल्यूज वापस, मान लो कितने नंबर का है। जैसे कि मान लो आप टेस्ट वगैरह में करते हो, तो मान लो 100 नंबर का पेपर है, वो आपको मान लो एक पेपर में 90 आए, एक में 98 आए और एक में आए आपके 59, तो आपको इसने परसेंटेज निकाल दिया कि आपकी परसेंटेज है 82.33। आप इसको डेसिमल वैल्यू के लिए कर सकते हो। अब मैं आपको करूँगा क्या कि वापस कोड को चला दूँगा, तो इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले भी ट्राई कर सकते हो। तो एडिशन करना चाहते हो, सब्ट्रैक्शन करना चाहते हो, मल्टीप्लीकेशन या डिवीज़न, तो मैंने अब मान लो एडिशन डाल दिया, तो हाउ मेनी नंबर शो हो गया है, दो नंबर है मेरे पास। वैल्यू नंबर वन है 20, 20, 50 निकाल दिया सब। फिर सब्ट्रैक्शन हो गया, तो उसने मतलब वो कर लेगा, ठीक है? आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया यहाँ पे। देख सकते हो कि क्या कैलकुलेटर अच्छा है। आप अगर कोई इशू लग रहा है इसमें, आप मेरे को रेज कर सकते हो एट माई गिट लैब, और एक गिट लैब है मेरा, यहाँ पर मैंने अपना कोड डाल दिया है, यहाँ पर main.c फाइल है। आपको कहीं भी लग रही प्रॉब्लम वगैरह है तो आप मेरे को बता सकते हो। इन दिस 136 लाइन में मैंने बहुत सिंपल सा प्रोग्राम था पर्सनली, इसमें मैंने बहुत ही कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सी चीज़ें। अब मैंने तीन फंक्शन मैंने एवरेज परसेंटेज एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके फंक्शन मैंने थी। अब फिर करना क्या है कि आपको चॉइस हिसाब से दिख लेगा, अगर एवरेज निकालना तो एवरेज कर देगा परसेंटेज के लिए, और ये सब कॉल कर लेगा अपना भी। इसके बाद थोड़ा सा एरर फ्री करने के लिए मैंने करा क्या है कि मान लो मैंने 123 डाल दिया, तो उसने बोल देगा एंटर अ वैलिड चॉइस, तो यहाँ पर भी मान लो मैंने चॉइस अब 123 डाल दी, तो ये भी कह देगा एंटर अ वैलिड चॉइस। मैंने ये करा है इसमें। अगर आप चाहते हो कि मैं इसको, और आपको हिंट से कि मैं इस प्रोग्राम को और कैसे इम्प्रूव करा सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं कोई इशू वगैरह मर्ज कर सकते हो, मर्ज रिक्वेस्ट कर सकते हो एक गिट लैब अकाउंट बना के। आई होप आपको पसंद आया होगा ये प्रोग्राम, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।